नमस्कार दोस्तों, सोना कुकिंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चावल के आटे से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही कम तेल लगता है इसमें। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिया है थोड़ी सी पत्ता गोभी को बारीक काट लिया है, थोड़ा सा पालक को भी बारीक बारीक काट लिया है, 3-4 हरी मिर्च ली है, 2 प्याज को बारीक टुकड़ों में काट लिया है, थोड़ा सा हरी धनिया लिया है और हल्दी, नमक, मिर्च, तेल। इसमें ज़्यादा मसाले हम नहीं डालेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हम 2 कटोरी चावल का आटा लिए हैं। इसमें हम कटी हुई पालक डाल देंगे, पत्ता गोभी डाल देंगे कटी हुई और प्याज। इसमें हम कटी हुई मिर्च भी डाल देंगे। हरी धनिया डाल देंगे। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, इससे इसका कलर अच्छा आ जाएगा। आधे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। इसमें हम नमक डालेंगे, नमक टेस्ट के अनुसार डालें आप। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिला लीजिए। इसको ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए। इसको एक गाढ़ा घोल बना लेना है। हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा घोल बन के रेडी हो गया है। इसको बनाने के लिए हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया है। हम गैस को ऑन कर देंगे। पैन में हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। अब इस पे हम अपना घोल डाल देंगे। इसको पतला पतला फैला दें इस तरह से, जैसे चिल्ला बनता है। इसे आप चिल्ला भी बोल सकते हैं। अब इसे हम ढक के धीमी आंच पे इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम खोल के चेक कर लेते हैं। हमारा चिल्ला एक साइड से अच्छे से पक गया है। अब इस पे हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे इसके ऊपर। और इसको पलट के दूसरे साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। देखिए इस तरफ से एकदम गोल्डन हो गया है। अब इसको हम ढक के 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा चिल्ला तैयार हो गया है कि नहीं। देखिए इधर से भी गोल्डन हो गया है। हमारा चिल्ला बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे चिल्लों को बना लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी होता है और सभी को बहुत पसंद आता है। चिल्ला हमारा बन के रेडी हो गया है। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि आपका चिल्ला कैसा बना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।